नमस्कार, इस वीडियो में आपको ट्रांसपोर्ट संबंधी कुछ सूचना देना चाहेंगे। हर साल की तरह एचआरटीसी की 4 बसें और स्कूल की अपनी 3 बसें जो पीले रंग की हैं, इनके द्वारा बच्चों का ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। लेकिन 2019 के बाद एचआरटीसी ने पास सिस्टम शुरू किया है, जिसके चलते हमें पेरेंट्स को कुछ एक आवश्यक बातें समझानी होंगी। सबसे पहले हर पेरेंट इस बात को जांच लें कि आपका बच्चा स्कूल के पीले बस में या एचआरटीसी के बस में स्कूल आएगा। जैसे कि इस मैप में आप देख सकते हो, जुन्गा से पुजारली तक जितने भी बच्चे स्कूल ट्रांसपोर्ट लेंगे वो स्कूल के पीले बस में आएंगे। बेउलिया, लोअर पंथा घाटी और हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, इन 3 स्टॉप्स के जो बच्चे हैं ये भी स्कूल के पीले रंग के बस में आएंगे। बाईपास पर विकास नगर पेट्रोल पंप से लेकर, बाईपास के पेट्रोल पंप से लेकर टेंजिन हॉस्पिटल तक के बच्चे स्कूल के पीले रंग के बसेस में आएंगे। अब करते हैं बात एचआरटीसी की। बस स्टैंड से बीसीएस न्यू शिमला के बच्चे एचआरटीसी बस में आएंगे। इसमें बीसीएस और न्यू शिमला के बच्चे भी एचआरटीसी के बस में आएंगे। संजौली, छोटा शिमला, ब्रॉकहर्स्ट, कसुमटी, राष्ट्रीय विद्या केंद्र, पंथा घाटी, जीवनु कॉलोनी, महली चौक और जुन्गा रोड के बच्चे सभी एचआरटीसी बसेस में आएंगे। ध्यान रखिए, केवल हाउसिंग बोर्ड के बच्चे हैं जो इसमें स्कूल के पीले रंग के बसेस में आएंगे। बाकी संजौली, छोटा शिमला, ब्रॉकहर्स्ट, कसुमटी, राष्ट्रीय विद्या केंद्र, पंथा घाटी, पासपोर्ट ऑफिस, जीवनु कॉलोनी, महली चौक और जुन्गा रोड के बाकी जितने भी बच्चे हैं वो एचआरटीसी बसेस में आएंगे। जो बच्चे एचआरटीसी बसेस में आएंगे उनके पासेस बनेंगे और ये पासेस उनके पेरेंट्स बनाएंगे। पासेस 3 महीने के बनेंगे, यानी कि पेरेंट्स को 3 महीने का किराया और लगभग 5 रुपए पास मेकिंग चार्जेस जमा करने होंगे। ये पैसे, ये पासेस जो हैं, पुराने बस स्टैंड और संजौली में ऑपोजिट मीना बाजार यानी कि गुरुद्वारे के साइड बन सकते हैं। पास बनाने के लिए पेरेंट्स एक पासपोर्ट, बच्चे का एक पासपोर्ट साइज फोटो और साथ ही पैसे ले जाएं। यदि पेरेंट्स चाहें कि ये पासेस जो हैं स्कूल उनके लिए बनाएं, तो हम ये आपको सेवा प्रदान करने के लिए खुश हैं। लेकिन इसके लिए कैश और साथ ही पासपोर्ट फोटोग्राफ कल यानी कि 25 फरवरी को सुबह 10 बजे और 2:30 बजे के बीच रूट्स छोटा शिमला या पुजारली में जमा करें। कैश और फोटोग्राफ कल सुबह यानी 25 फरवरी को 10 बजे सुबह से लेकर 2:30 बजे दोपहर तक रूट्स छोटा शिमला या पुजारली में जमा करें। ध्यान रखिएगा कि केवल कैश स्वीकार किया जाएगा। ये जो पासिस के लिए पैसा जमा, पासिस के लिए पैसा देना चाहेंगे, प्लीज ये स्कूल अकाउंट में जमा ना करें, ना आपसे कोई चेक स्वीकार किया जाएगा। ये पैसे आप एज कैश हमें देंगे और उसी कैश से हम आपके लिए पास जो है काउंटर पर बनवाएंगे। यदि इस दौरान आप पैसे और फोटोग्राफ नहीं जमा कर पाते हैं तो ये पास आपको खुद बनवाना पड़ेगा। जिन बच्चों का पास नहीं बनता है वो एचआरटीसी बस पर नहीं चढ़ पाएंगे। पास बनने पर पेरेंट्स अपने बच्चे के पास के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे और रिटर्न, कैंसिलेशन या रिन्यूअल की जरूरत पड़ने पर ये काम पेरेंट्स खुद ही करेंगे। पास बनने पर अनुरोध है कि सभी पेरेंट्स या पास का फोटोग्राफ या एक फोटोकॉपी अपने पास सुरक्षित रखें। अब करते हैं बात जो बच्चे स्कूल ऑन बसेस पर आएंगे। स्कूल ऑन बसेस पर जो बच्चे सवार होंगे तो वो उनकी फीस जो है, उनकी ट्रांसपोर्ट फीस हमेशा की तरह आपके ट्यूशन फीस के साथ, ट्यूशन फी के किस्त के साथ बैंक में जमा होगी। यदि किसी को भी इस मामले में कोई डाउट है तो आप अपने बच्चे का नाम और बस स्टॉप दिए गए ऑफिस नंबर पर मैसेज करें और हम आपका जवाब दें।
यदि आपको किसी और प्रकार का डाउट हो तो वर्किंग आवर्स में आप कभी भी ऑफिस से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।